हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू राजश्री चौहान क्लासेस. चिल्ड्रन, आई हैव अपलोडेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द लेसन डिक विटिंगटन एंड हिज कैट. हाँ, ये लेसन का मैंने एक्सप्लेनेशन अपलोड किया हुआ है. फॉर दैट यू कैन चेक माय प्लेलिस्ट. आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो. यू विल फाइंड ऑल लेसन्स देयर. इफ यू लाइक माय वीडियो चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. हाँ, तो इससे आपके फ्रेंड्स लोगों को भी मेरे एक्सप्लेनेशन वो लोग देख सकते हैं. और लेसन के पहले जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज दिया था, ये हमारा पहले पार्ट में ही कंप्लीट हो गया है. जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है एक्सप्लेनेशन का, उसमें मैंने ये सारे आंसर्स दिए हैं. तो यू कैन जस्ट टेक अ लुक ऑफ दैट. नाउ टुडे वी विल कंटिन्यू इंग्लिश वर्कशॉप. हाँ, इंग्लिश वर्कशॉप हम स्टार्ट करेंगे. Arrange the following set of words in the alphabetical order in your notebook. So what we have to do? We have to arrange these words in alphabetical order. तो आप लोगों को पता है alphabetical order क्या है? Children, you know you have learned this in first and second standard. आप लोगों ने ये first और second standard में alphabetical arrangement सीखा हुआ है. जैसे A B C D से हम उसको arrange करते हैं. But इन दिस वर्ड्स वी हैव गिवन ऑल नो वर्ड्स स्टार्टेड फ्रॉम एस लेटर. तो यहाँ पर हम देखेंगे सब जो वर्ड्स दिए हैं एस लेटर से ही स्टार्ट है. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर देखना है तो वो कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को इसका एक शॉर्ट में नोटबुक में करके दिखा देती हूँ. उसके बाद हम इसे भी अरेंज करेंगे. मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं, बैट, हैंडल, स्पून, एरो, वॉच. तो यू कैन नोटिस इसका पहला जो लेटर है सबका अलग अलग है. हाँ, इसीलिए फर्स्ट लेटर को हमें अंडरलाइन करना है. नाउ वी विल स्टार्ट विथ ए टिल जेड. ए से जेड तक जब हम बोलते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में कौन सा लेटर आता है? ए. तो ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड्स, हाँ, बिगनिंग विद द ए इज एरो. सो वील राइट दैट वर्ड फर्स्ट. तो फर्स्ट आ गया एरो, इसे हम क्रॉस कर देते हैं. ए आफ्टर B also we have here, bat. तो हम लिखेंगे bat, इसे क्रॉस कर देते हैं. B after C D E F G H and H is there. तो H से कौन सा वर्ड आता है यहाँ पर दिया है? हैंडल. तो ये भी हमने लिख दिया है. उसके बाद H after I J K L M N O P Q R S. तो S से है स्पून, वो भी लिख देते हैं. इसको क्रॉस आउट कर दो. एंड लास्ट वर्ड इज लेफ्ट इज वॉच. तो इस तरह से हमने इसे अल्फाबेटिकल अरेंज किया है. मैं और एक आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ जिससे और आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा. तो एक सेट ऑफ वर्ड है जो पी से स्टार्ट हो रहा है, पिन, पैन, पॉट, पेन एंड पर्स. सो फर्स्ट लेटर इज कॉमन, पी दिया है. तो ये फर्स्ट लेटर कॉमन है इसलिए हम इसे नहीं देखेंगे. वी विल लुक एट द सेकेंड लेटर दैट इज डिफरेंट. तो फर्स्ट लेटर कॉमन है तो उसे हमें ड्रॉप कर देना है. हम सेकेंड लेटर से ही स्टार्ट करेंगे. सेकेंड लेटर में हम ए से स्टार्ट करेंगे फिर से. सो ए यहाँ पर है, सो दिस इज द पी ए एंड पैन. तो विल राइट दैट फर्स्ट. डन. देन आफ्टर ए आफ्टर बी सी डी ई इज योर पी एंड पैन. Then F G H I, I for pin. So यहाँ पर I से pin word है, उसे लिखेंगे, cross कर दो. I after J K L M N O, O आ गया है. तो हमें बहुत ही ध्यान से words को देखना पड़ता है कि कब कहाँ पर हमें वो words मिलेंगे. तो O से होता है P O T pot and last word is pus. तो ये हो गया अरेंज ऑफ अल्फाबेटिकल. तो हमें इतने सिंपल वर्ड्स तो नहीं दिए हैं ऐसे स्टार्ट होने वाले, हमें वर्ड्स दिए हैं तो हम उसे देखते हैं. तो नाउ हियर वी कैन सी एस इज अ स्मॉल सिमिलर वर्ड. सब जगह पे देखो एस 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 से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं. तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, सेकेंड वर्ड देखेंगे. एच एम यू सी टी ए ओ टी 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 सी सी ए ई ए एंड एच. तो अभी आप लोगों को क्या करना है, एस के बाद जो ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं
पहले हम वो देखेंगे। तो ए से स्टार्ट होने वाले, जैसे आप अपना अगर फोन डायरी देखते हो, हाँ, मोबाइल में जो नेम्स होते हैं, आपने किसी का भी नेम अगर सेव किया है, हाँ, तो वो नेम्स कैसे अल्फाबेटिकल देते हैं, तो हमें बस यहाँ पर वही करना है, अल्फाबेटिकल अरेंज करना है। तो एस से आता है एस ए टी, एस ए आई एन टी और एस ए वी आई एन जी, ये थ्री वर्ड्स यहाँ पर एस से दिए हैं। तो ये तीनों वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। अभी हम फर्स्ट जो लेटर है वो तो एक सिमिलर है, सेकंड लेटर भी सिमिलर दिया है, तो हम थर्ड लेटर को अंडरलाइन करेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि अभी दोनों लेटर सेम है, इसीलिए हम थर्ड को नोटिस करेंगे। तो थर्ड में देखिए सबसे स्टार्टिंग में क्या आता है, थर्ड में देखिए सबसे स्टार्टिंग में कौन सा लेटर आता है, आई है, तो इसके लिए आई के बाद टी आता है। ए टू जेड हमें पता है ना पूरा, तो हम इजीली उसे देख सकते हैं, सेट एंड लास्ट वन इज सेविंग। ठीक है, ये जो मैंने वर्ड्स अरेंज किए हैं इसी तरह से आप लोगों को इसमें जो सिमिलर वर्ड्स है, जो सिमिलर वर्ड्स है यहाँ पे देखो एस एच अगेन, डू वी हैव एस एच एनी वेयर, नो हियर, सो ये दोनों को हमें देखना है। तो ए पहले आएगा, आई बाद में जाएगा, इस तरह से हमें इसे अरेंज करना है अल्फाबेटिकली। तो मैं सारे वर्ड्स आप लोगों को एक साथ में अरेंज करके अब बताती हूँ। तो ऑल वर्ड्स आए हैं ऑलरेडी अरेंज हियर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एज आई टोल्ड यू। ये देखो यहाँ पर एस ए से स्टार्ट हुआ है, तो एस ए के जो वर्ड्स हमने किए थे पहले ऊपर, हाँ, वही यहाँ पे है। उसके बाद बी से कोई वर्ड नहीं है, तो सी से स्टार्ट हो गया है, सी से होने के बाद डी से कोई वर्ड नहीं था, तो ई से है एच, देन बी मिडल वर्ड्स नहीं है, एम से स्टार्ट हो गया है, देन ओ। तो इस तरह से आप लोगों को अल्फाबेटिकली देखना है, लेकिन सेकेंड लेटर और थर्ड लेटर्स जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अरेंज करने हैं। तो वंस आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू, सन सेट सेविंग स्कोल्डिंग स्क्रीम सीम शेयर शिप स्मॉल समवन स्टील स्टोन स्टूड स्ट्रीट्स सक्सेसफुल। दिस इज द वे ऑफ अरेंजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव रिमूव द एफिक्स, एफिक्स में कौन से है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, एंड राइट द रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब जो मेन वर्ड है हमें वो लिखने हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स को हमें निकालना है। सक्सेसफुल, अगर ये सक्सेसफुल वर्ड देखोगे तो सक्सेस इज अ मेन वर्ड और उसको फुल ये सफिक्स ऐड किया है, जो वर्ड के एंड में आता है दैट इज कॉल्ड सफिक्स, और जो वर्ड के पहले आता है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो हमें यहाँ पे सक्सेस ये मेन वर्ड है तो हम उसे लिखेंगे, देन सेकेंड इमीजिएटली, ना इमीजिएट ये मेन वर्ड है और एल वाई ये हमें यहाँ पर ऐड किया है, मीन्स दिस इज कॉल्ड सफिक्स, तो इसे हम निकाल देंगे, तो हो गया वर्ड इमीजिएट। देन थर्ड इज रिट्रेस, ना ट्रेस इज द मेन वर्ड और उसको री ऐड किया है, मीन्स एफिक्स है, तो एफिक्स को हमें निकालेंगे, और जो पहले ऐड होता है उसे हम, कौन सा एफिक्स का पार्ट है वो, प्रीफिक्स। देखो एफिक्स ये मेन है, इसके ये टू पार्ट्स है, जो पहले आता है दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स और जो बाद में आता है उसे कहते हैं सफिक्स। सो हियर वी हैव मेन वर्ड ट्रेस, उसे कहेंगे मेन वर्ड को रूट वर्ड। देन माउजर, तो इसमें जो माउस है ये मेन वर्ड है, आर को ऐड किया है इसीलिए रूट वर्ड इज माउस। नाउ द फिफ्थ वर्ड इज अनफ्रेंडली, सो हियर फ्रेंडली इट्स अ मेन वर्ड, ऑल्सो वी कैन सी हियर अन एंड एल वाई सफिक्स, सफिक्स एंड प्रीफिक्स बोथ आर गिवन, सो मेन वर्ड हो गया है फ्रेंड। अनकाइंड,
So main word is, root word is kind. Luckily, luck it's a main word. So root word hai luck. Fallen, fall. Wooden, wood. Belonging, belong. These are the root words. Now we will see the second question. Find from the story one word for the following. So one word hame dekhna hai for the following. A small room just below the sloping roof. So hame ise pata hai word diya tha attic. Attic. A very narrow passage between buildings. Alley. ये सब वर्ड्स अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो साइड में इसके मीनिंग्स दिए हैं. द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन द म्युनिसिपलिटी ऑफ अ सिटी और टाउन इज मेयर. और विटिंगटन कौन बना था एंड में? मेयर. द हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर ऑफिशियल हु कमांड्स अ शिप. एक्चुअली हियर शुड कम ऑफिसर. Who commands a ship is captain. Any animal that catches mice? Cat. It's a cat. A low constant sound made by cats. Purr. Okay, so these are the single words given for the sentences. ये sentence का ये actual meaning है. Okay, now we will see the next question. Make sentences in your own using the following expression. तो ये following expressions दिए हैं. Overcome, put up with and bargain. ये words को use करके हमें sentence बनाने हैं. So first question word is given overcome. तो इसके लिए हम लिख सकते हैं we must learn to overcome any difficulties we come across. So I am going to write that we must learn to overcome. तो इसे हम underline कर देते हैं. Any difficulties we come across or we face. ऐसे भी आप लिख सकते हो. Second expression is given, put up with. So we had to put up with the noisy behavior of our neighbor's son. So I am going to write that also. We had to put up with. मतलब हमें उसी आदत कर लेनी चाहिए. The noisy behavior of our neighbor's son. ठीक है. Then third one is bargain. Bargain मतलब हमें पता है हम जब भाव तोल करते हैं उसे हम bargain कहते हैं. तो people in India love to bargain with hawkers. हॉकर्स के साथ में जब हम भी शॉपिंग करने जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं. तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे. पीपल इन इंडिया यू कैन राइट आल्सो यू कैन राइट माई मदर लव टू बार्गेन विद हॉकर. दैट इज आल्सो सिंपल. और आई लव टू आई ऑलवेज बार्गेन विद हॉकर्स. कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो. पीपल इन इंडिया लव टू bargain with hawkers. Hawkers कौन होते हैं? जो शॉप में जो सेलर होते हैं, जो सामान लेकर यहाँ वहां घूमकर भी बेचते हैं, उन्हें hawkers कहते हैं. तो these all answers we have completed. तो आप sentences लिख सकते हो. Next हम देखेंगे. Rearrange the following events as they occurs in the story. Put the correct number in the boxes. तो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हैं. तो कौन सा पहले हुआ था और कौन सा नेक्स्ट है ये हमें सीक्वेंस वाइज करना है. तो मैंने आप लोगों को लेसन एक्सप्लेन किया हुआ है.
उसके अकॉर्डिंग आप इसे अरेंज कर सकते हो। इसे मैं आप लोगों को अरेंज के नंबर्स दे देती हूँ। डिक लेफ्ट हिज विलेज ऑन फुट टू गो टू लंडन। सबसे पहले वो लंडन के लिए निकला है, दिस इज द फर्स्ट वन। देन व्हाट इज सेकेंड, देन सेकेंड वी हैव अ कार्टर गेव डिक अ लिफ्ट टू लंडन, दिस इज द सेकेंड। देन वी हैव थर्ड, डिक वॉज होमलेस हेल्पलेस कोल्ड एंड हंग्री। लंडन जाने के बाद वो कोल्ड एंड हंग्री हो गया था, अकेला हो गया था, दिस इज द थर्ड। देन वी हैव द फोर्थ वन, फोर्थ दिया है मिस्टर फिट्ज़वॉरेन प्रोवाइडेड शेल्टर टू डिक। फिर उनके घर के बाहर वो पड़ा था तो उसे उन्होंने घर में लिया, काम दिया। आफ्टर दैट फिफ्थ इज डिक बॉट अ कैट टू गेट रीड ऑफ द माइस, माइस से रीड करने के लिए छुटकारा पाने के लिए उसने एक कैट लाया है। देन वी हैव अ कैट सेल टू द अफ्रीकन कोस्ट, तो अभी अफ्रीकन कोस्ट के लिए कैट को लेकर गए है, शिप से लेकर गए है, ये हो गया सिक्स। देन सेवेंथ इज द कैप्टन सोल्ड द कैट फॉर अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मनी, उसने सेल किया ना कैट को अफ्रीकन किंग के पास। उसके बाद एट वह सेंटेंस कौन सा है, द रैट एंड माइस एट अप ऑल द डिनर लेड फॉर द किंग एंड क्वीन, पूरा खा लेते थे। उसके बाद है डिक बिकम रिच एंड लेटर द मेयर ऑफ लंडन, और लंडन का वो लास्ट में क्या बन गया है, डिक मेयर बन गया है। तो दीज आर द सीक्वेंसेस, आप लोग ये सीक्वेंसेस को देख लो, आपको ऐसे ही इसे अरेंज करना है और रीड करते करते अरेंज करना है। ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू फोर्थ क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर। विच व्हाट डिसीजन टेकन बाय डिक चेंज हिज फॉर्च्यून, सो व्हाट डिसीजन ही टूक दैट चेंज हिज फॉर्च्यून, सो वी हैव टू सी द आंसर। मैंने आंसर यहाँ लिखा है, ऑन हियरिंग द चर्च बेल सेंड आउट अ मैसेज टू डिक, ही डिसाइडेड टू रिट्रेस हिज स्टेप्स एंड गो बैक टू मिस्टर फिट्ज़वॉरेन्स हाउस इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, दिस डिसीजन चेंज्ड डिक्स फॉर्च्यून। उसने जो बेल रिंग हुआ था चर्च का एंड ही हर्ड दैट, और उसको उसमें से एक मैसेज मिला कि तुम मेयर बन सकते हो, और वो सुनने के बाद डिक ने ये सोचा कि अभी मुझे यहाँ से कहीं चले नहीं जाना है, तो मुझे रिटर्न मिस्टर फिट्ज़वॉरेन के घर जाना चाहिए, आगे कुछ दूसरा होने तक मुझे वहीं पर जाना पड़ेगा, और उसने वो डिसीजन लिया। And that was his best decision to change his future. Okay, now we will see the second question. What message does this story bring out for youngster? A youngster को ये story से क्या नई सीख मिलती है? What they learn from this story? So we will see that answer. The message that this story brings out for youngsters is that we must not run away from difficulties but face them bravely. So what we have to do? जो भी difficulties आती है उससे हमें भागना नहीं है, we must not run away from that difficulty. तो हमें क्या करना है, उसे bravely face करना है, उसका मुकाबला करना है। So this answer you have to write for the second one, जो B option question है उसका ये answer है। क्वेश्चन नंबर 5 ए, ब्रेक द वर्ड्स बिलो इनटू सिलेबल्स एज शोन इन द फर्स्ट वन। तो हमें क्या करना है, जैसे साउंड हम प्रनाउंस करते हैं, जो वर्ड्स होता है जिसको हम प्रनाउंस करते हैं तो किस तरह से बोला जाता है, बी लॉन्गिंग, सो बी लॉन्गिंग, इसके लिए इसके 3 सिलेबल्स हुए हैं। अभी सेकेंड अगर हम देखते हैं अनफ्रेंडली, तो इसमें क्या होगा, अनफ्रेंडली। ओके, तो अनफ्रेंडली कितने सिलेबस हुए हैं, 3। देन वी हैव थर्ड, सी में दिया है एनीथिंग, एनीथिंग में अगर हम देखेंगे तो एनी एंड थिंग, तो इसमें कितने सिलेबस हैं, 2 सिलेबस है, एनी एंड थिंग।
तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सिलेबस मतलब कैसे होता है, जो वर्ड्स को हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, तो ये हो गया है आगे का वर्ड। तो अगर आप इसको अगर इस तरह से भी देखोगे, डी फी क टी, तो डिफिकल्टी, ये फोर सिलेबस में भी इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन से डिफिकल्टी, तो मैं लिख कर देती हूँ यहाँ पे डी फी कल टी। देन वी हैव कैप्टन, कैप एंड टर्न, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे, तो हम इसे लिखेंगे कैप एंड टर्न। तो दो सिलेबस इसके बन गए हैं। एफ में देखिए मॉर्निंग, तो इसमें हम लिखेंगे मॉर एंड निंग, तो ये मॉर और निंग ये दो सिलेबस बन गए हैं। सी टी जेन, देयरफॉर सी टी जेन। मैसेज, तो मैस एज, मैस एज, तो मैसेज। ओके, मैं यर, मैं यर, ये इसे मैं ब्रेक कर रही हूँ सिलेबस में। लास्ट है इलेक्टेड, तो ई लेटेड, ई लेटेड। तो जब साउंड्स, आप कोई भी साउंड को जब बोलोगे तो उसे सिलेबस में ही आप बोलो, तो आपको ये इजीली यू कैन ब्रेक डाउन दोज एंड यू कैन राइट द वर्ड्स इनटू सिलेबस फॉर्म। कैप्टन, डिफिकल्टी, हाँ इस तरह से देखो आप लोग इसे रीड करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। नाउ वी विल सी द सेकंड क्वेश्चन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव डिग्री देखने हैं, कंपैरिजन देखना है हमको, तो इसमें बहुत ही सिंपल होता है। रीड द सेंटेंसेस, यतिन इज स्ट्रांग, अमित इज स्ट्रांगर देन यतिन एंड प्रवीण इज द स्ट्रांगेस्ट ऑफ ऑल। मतलब यहाँ पर स्ट्रांग, स्ट्रांगर, स्ट्रांगेस्ट, हाँ तीन फॉर्म में हमें वर्ड्स दिए हैं और इसको तीन डिग्री में कंपेयर किया है। ये होता है पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। इन सेंटेंस, तो एडजेक्टिव स्ट्रांग इज इन इट्स सिंपल फॉर्म, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। तो इसे सिंपल फॉर्म में दिया है तो हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री। देन इन द सेकेंड सेंटेंस, द एडजेक्टिव स्ट्रांगर रिफर्स टू अ हायर डिग्री व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ टू नाउन्स। टू नाउन्स में जब कंपेयर होता है तो हम उसे कहेंगे कंपेरेटिव डिग्री। उसके आगे क्या लिखते हैं, ई आर। देन द थर्ड सेंटेंस इज, द एडजेक्टिव स्ट्रांगेस्ट रिफर्स टू द हाइएस्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन ऑफ वन विथ द मोर देन टू नाउन्स। तो एक का हम मोर देन टू से कंपेयर करते हैं तो उसे कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव में ई एस टी एड करते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें ई एस टी या ई आर ऐसे एडिशन नहीं होता है, तो वो उसके लिए मोर और मोस्ट, ये दो वर्ड्स का यूज किया जाता है, मोर फॉर कंपेरेटिव एंड मोस्ट फॉर सुपरलेटिव डिग्री। ये अगर सेंटेंसेस में आते हैं तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। नाउ हियर इज गिवन वन टेबल फॉर अस, एक टेबल दिया है हमें उसे कंप्लीट करना है। कंप्लीट द टेबल ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो हियर इज गिवन ग्रेट, ग्रेट पॉजिटिव दिया है तो कंपैरेटिव क्या होगा, ईआर ऐड करना है, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। तो ये सब हमने ऑलरेडी फोर्थ स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड
जो अपने स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने पहले स्टडी किए हैं उसमें बहुत बार हुआ है, तो मे बी दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू। फेमस, तो फेमस और ऐसे हम नहीं बोलते हैं, तो वी कैन से फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस, देन इजियर। तो इजियर कंपेरेटिव डिग्री है ऑलरेडी गिवन, सो व्हाट वी विल सी, इजी, इजियर एंड इजीएस्ट। वर्स्ट, तो वर्स्ट का कुछ वर्ड ऐसे वर्ड नहीं आते, तो बैड, वर्स एंड वर्स्ट ऐसे तीन फॉर्म होते हैं, तो ये आता है बैड, वर्स एंड वर्स्ट, WORST, वर्स्ट। देन हियर वी हैव पुअरेस्ट, तो पुअरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है बिकॉज EST एडेड, तो व्हाट इज द पॉजिटिव, पुअर, पुअरर एंड पुअरेस्ट। देन हियर इट्स गिवन लेजीएस्ट, तो लेजीएस्ट इज इन EST एड किया है, सो दैट इज इन द सुपरलेटिव डिग्री। तो हम क्या करेंगे, उसका कंपेरेटिव और पॉजिटिव देखते हैं, तो पॉजिटिव से ही स्टार्ट करेंगे, लेजी, लेजियर, लेजीएस्ट। देन लिटिल, लिटिल का लिटिलर या लिटिलेस्ट ऐसे नहीं होता है, तो लिटिल का कैसे होगा, लिटिल, लेस एंड लिस्ट, लेस LEAST, लिस्ट। हाँ, इस तरह से ये हमें टेबल कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वी हैव वर्दियर, वर्दियर का कंपेरेटिव फॉर्म दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे पॉजिटिव वर्ड, वर्दी, वर्दियर एंड वर्दियस्ट। नाउ हियर चिल्ड्रन व्हाट हैपन, मैंने यहाँ पे वर्दी क्यों लिखा है, वर्द क्यों लिखा, बिकॉज आई, देखोगे आप तो आई वाई के प्लेस पर आई में कन्वर्ट किया है, इसीलिए यहाँ पर वर्दी होता है, और इसका सुपरलेटिव फॉर्म है वर्दियस्ट। ठीक है, देन द नेक्स्ट वी हैव पॉपुलर, पॉपुलर, पॉपुलरर ऐसे नहीं बोलेंगे, वी कैन से पॉपुलर, मोर पॉपुलर एंड मोस्ट पॉपुलर, तो इसमें मोस्ट ऐड करना है, इधर ऐड करना है मोर, और ये कंप्लीट वर्ड्स कंटिन्यू करोगे आप, तो दिस वे वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल। और आप लोग अगर याद रखना है आप लोगों को, तो एक सिंपल सेंटेंस आप याद रखो जो हम बहुत बार यूज करते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, तो ये तीन वर्ड्स है, गुड, बेटर, बेस्ट। जब गुड बोलोगे तो दैट इज पॉजिटिव, तो आई विल शो यू, एक मैंने इसके लिए, मैं अपने बच्चों को भी ट्यूशन में जब पढ़ाती हूँ तो इसी तरह से बोलती हूँ, पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो आप लोगों को कभी भी याद रखना है, जो मिडल फिंगर है कंपेरेटिव है, सुपरलेटिव है, ये पॉजिटिव है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इस तरह से अगर जब बच्चे कंपेयर करते हैं किसी भी सेंटेंस को, सपोज आपको ग्रेटर दिया है, तो कैसे फाइंड करोगे, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटर क्या बन गया है कंपेरेटिव, ग्रेटेस्ट क्या बन जाएगा सुपरलेटिव, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट, तो पुअरेस्ट सुपरलेटिव है, पुअर पॉजिटिव एंड पुअरर इज अ कंपेरेटिव। हाँ, इस तरह से आप फिंगर्स यूज करके भी कर सकते हो, वो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो दो तीन बार, आप लोगों को इजीली इसमें समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, डिक विटिंगटन एंड हिज कैट, इस लेसन के सब क्वेश्चन आंसर्स जो टेक्स्ट बुक में दिए थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, आप इसके प्रैक्टिस करना, अब इसे स्टार्ट कर दो, और नेक्स्ट लेसन के वीडियोस में अब आप लोगों को अपलोड करने वाली हूँ, तो इसके लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। थैंक यू।